गाइस देखिए ये जो पेड़ है इसमें थोड़ा सा फूल नजर आ रहा है, हल्का हल्का सा नजर आ रहा है। तो जापान में ऐसा नजारा देखने को तो मिलता नहीं है, गांव में ऐसा नदी, ठीक है ना। इंडिया में तो मिलता है, जापान का नदी ज्यादा करके ऐसा जो है ना पक्का कर देता है ना, ऐसा ऐसा कच्चा नहीं रहता, मट्टी जैसा पक्का कर देता है। लेकिन ये गांव इसमें मिला, यहाँ पर ऐसे ही है नदी, इंडिया ऐसा देखने को लग रहा है। लेकिन फिर भी देखिए बाजू में कितना प्यार से लोग सजा कर रखा, फूल बिल का पेड़ उगा के रखा, ये देखिए गार्डन बना के रखा। ये देखिए कितना प्यार से सजा कर रखा गार्डन, और देखिए बदक है, बदक जंगली बदक है देखिए। तो गाइस देख सकते हो जापान में नदी का पार भी कितना खूबसूरत सा गार्डन बना के रखा, देखिए बहुत ही प्यार सा गार्डन बना के रखा। भाभी जी मेरा बिहार लोग को थोड़ा हाई कर दो, बंदा हाई कर दो। ये देखो मेरा दोस्त है और दोस्त का बीवी है मेरा भाभी, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है शपंदा। तो हम लोग आज आ गया ये नदी का, जापान में नदी का पार कैसा होता है देखिए, कैसा व्यू होता है, कितना खूबसूरत इसे गार्डन लगा के रखते हैं। देखो बहुत ही प्यारा सा व्यू है देखिए गाइस। तो गाइस कैसा लग रहा है आप लोग को ये व्यू, देखिए नदी का पार है लेकिन फिर भी कितना खूबसूरत इसे सजा के रखा है लोगों ने, देखिए। तो जापान में जो नदी होता है गांव होता है, फिर भी देखिए आजू बाजू में कितना खूबसूरत इसे लगता है, अपना घर है आजू बाजू में ना, इतना खूबसूरत इसे लोग सजा के रखते हैं, फूल का पेड़ लगा के रखते हैं। देखिए रास्ते भी इतना प्यार से बना के रखा, देखिए ये गांव है एक ना, कोई शहर नहीं है, बिल्कुल गांव है। हम लोगों ने इसे पहले भी देखा होगा वीडियो, मैंने वो वहाँ पर बनाया था एक वीडियो जो पिकनिक का, उसी साइड का है ये भी ना। तो ठीक है आप लोग वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए कैसा है नदी का पार, जापान में नदी का किनारा कैसा होता है, ठीक है ओके। ये देखिए आप लोग जो जापान का जो नदी का किनारा है, एकदम विलेज गांव है, तो ये आप लोगों को दिखा रहा हूँ। कैसा लग रहा है आप लोगों को, अच्छा लग रहा है? तो गाइस ये मेरे भाभी देखिए अभी वीडियो कर रहा है, भाभी कुछ बोलिए मेरा व्यूअर लोग को, बोलो बांग्ला में, बोलो बांग्ला में, बोलो बांग्ला में, बोलो ना बांग्ला में, लोग बहुत देखते हैं मेरा वीडियो। नहीं बोल रहा है, ये देखो मेरा भाभी जी जो है शर्मा रहा है, बोल नहीं पा रहा है। मैं बोला बंगाली में बोलो, बंगाली में बोलो, नहीं बोल पा रहा है, शर्मा रहा है ना। मेरा वीडियो जो है ना कलकत्ता का लोग, बांग्लादेशी लोग भी देखते हैं ना, सब लोग देखते हैं ना, तो आप शर्मा रहा है, कोई बात नहीं है, मेरा भाभी जी शर्मा रहा है। तो शपंदा आप कुछ बोलो, नदी का पार घूमने के लिए आके कैसा लग रहा है? ये जापान का बिल्कुल ही गांव है, ठीक है ना, खूबसूरत है। और ये नदी, नदी का पानी में इतना, ये इंडिया ऐसा नदी है ना, ज्यादा करके जापान में नदी तो ऐसा देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि वो सब
पक्का कर देते हैं लोग ना, ये कच्चा है लेकिन बाजू में देखिए कितना खूबसूरती से ये लोग गार्डन बना के रखा ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में व्यू, बहुत अच्छा लग रहा है। भाभी जी को भी अच्छा लग रहा है, भाभी बांग्ला बोलने के लिए शर्मा रहा है लेकिन हिंदी बोल रहा है अभी ना, ठीक है तो ऐसी बात है। तो यार क्या है, बस आज छुट्टी है तो मैं सोचा चलो दोस्त के पास जाता हूँ घूमने के लिए और जाके कुछ वीडियो ब्लॉग व्लिक बनाता हूँ। बाद आ गया बहुत ही विलेज में है ये देखिए, इधर भी कितना प्यारा सा देखिए गार्डन बना के रखा। जापान यार हर जगह में कहीं भी जाओ आप, बहुत खूबसूरत से बना के रखते हैं लोग, सजा के रखते हैं। तो यार ये सब हमारा देश को भी सीखना चाहिए देख के, इतना खूबसूरत करना चाहिए ना हर जगह में गार्डन पार्क सब बनाना चाहिए ना। तो ठीक है गाइस, आज ये जो नदी का किनारा आप लोगों को दिखाया जापान में नदी का किनारा, अभी और ज़्यादा बड़ा नहीं करता हूँ, लंबा नहीं करता हूँ, यहाँ पर रखता हूँ वीडियो। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा साकुरा फ्लावर जो है अभी भी थोड़ा सा है, ठीक है तो समझना सबको टाटा कर दो, यहाँ पर वीडियो रख दूंगा, फिर मिलेंगे। तो गाइस ठीक है, मिलेंगे। आप लोग कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में, अच्छा वीडियो में मिलता है कोई अच्छा इन्फॉर्मेशन लेके या अच्छा कोई प्लेस लेके, ठीक है। ओके फिर बाय। ओके।